नमस्कार दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में काफी महत्व रखती है। कहते हैं कि अगर इस व्रत को लगातार 14 साल तक रखते रहें तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है, जो कि इस बार 19 सितंबर को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी को कई जगहों पर अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। चलिए अब आपको अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त बताते हैं। चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर की सुबह 5:59 से शुरू होकर 20 सितंबर की सुबह 5:28 तक समाप्त होगी। अनंत चतुर्दशी मुहूर्त सुबह 19 सितंबर सुबह 6:14 से अगली सुबह 5:28 तक। चलिए अब आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, किसी पटरी पर कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर भी रखें। एक सूती धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से भरें और अनंत सूत्र बनाएं। इस सूत्र में 14 गांठें लगाएं। इस सूत्र को भगवान विष्णु के समक्ष रख दें। अब विधिवत भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। फिर पूजा करने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। माना जाता है कि इस सूत्र को धारण करने से संकटों का नाश होता है। चलिए अब आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को 14 वर्षों तक लगातार करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत अवतारों की पूजा की जाती है, इसीलिए ये व्रत अनेकों गुना अधिक फलदायक माना गया है। इस दिन सर्वप्रथम पांडवों ने व्रत किया था। जब महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने जुआ खेला था, तब उनका सारा धन नष्ट हो गया। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी जी तुमसे रूठ गई हैं। आप देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। भगवान विष्णु के पूजन से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तब से ही देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाने लगा। तो अगर आप भी धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये व्रत जरूर रखें। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।